नमस्कार, NIOS के स्टूडियो से आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिरीष पाल सिंह, सह प्रोफेसर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, और आज हम प्रत्यक्षण तथा बालकों में इसका विकास विषय पर चर्चा करेंगे। प्रत्यक्षण, जिसको हम अनुभूति के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। सेंट्रोक ने प्रत्यक्षण को परिभाषित करते हुए कहा कि संवेदी सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने के लिए मस्तिष्क द्वारा इसे संगठित एवं व्याख्या करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण है। प्रत्यक्षण सामान्यतः माना जाता है कि अनुभवों के आधार पर संवेदनाओं की व्याख्या करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण कहलाती है। प्रत्यक्षण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो संवेदना होने के उपरांत तथा चिंतन प्रारंभ होने से पूर्व संपादित होती है। प्रत्यक्षण एक सक्रिय, चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक अंगों, जिसे हम आंतरिक वातावरण की भी संज्ञा देते हैं, तथा बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का तात्कालिक अनुभव होता है। प्रत्यक्षण के बारे में कहा जाता है कि हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वे होती हैं, बल्कि हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे कि हम स्वयं होते हैं। बहुत प्रत्यक्षण के संबंध में कहावत भी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। यदि हम प्रत्यक्षण की प्रक्रिया को देखें तो इसके चार प्रमुख तत्व होते हैं। पहला, उद्दीपन या उद्दीपक। दूसरा, उपयुक्त का चयन करना। तीसरा, व्यवस्थापन करना। और चौथा, निर्वचन करना। उद्दीपन या उद्दीपक से तात्पर्य वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जिसके रेस्पॉन्स में हम कोई क्रिया करते हैं। जो उद्दीपक वातावरण में उपस्थित होता है, उस उद्दीपक के सापेक्ष हम एक उपयुक्त उपयुक्त उद्दीपकों का चयन करते हैं, और इस चयन के पश्चात उनको अपने उद्देश्यों के अनुसार जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और अंततः उन ऑर्गेनाइज स्टिमुलस के रेफरेंस में जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, निर्वचन करते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम प्रत्यक्षण की संज्ञा देते हैं। प्रत्यक्षण एवं अभिवृत्ति दोनों ही संप्रत्यय काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एक उपयुक्त अभिवृत्ति के निर्माण में एक उपयुक्त प्रत्यक्षण की आवश्यकता होती है। अभिवृत्ति में स्थिरता होती है, परंतु प्रत्यक्षण में थोड़ा लचीलापन होता है, क्योंकि प्रत्यक्षण व्यक्ति की अभिवृत्ति से प्रभावित होता है। जिस प्रकार की अभिवृत्ति एक व्यक्ति की होती है, उसी तरीके से वो अपने सम्मुख उद्दीपकों को परसीव करता है। इसी तरीके से जब जिस तरीके की चीज़ों को हम परसीव करते हैं, वातावरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों को हम जिस तरीके से परसीव करते हैं, वो ही अंततः हमारी अभिवृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षण एवं अभिवृत्ति दो ऐसे संप्रत्यय हैं जो आपस में एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, और हम मान के चलते हैं कि एक उत्तम अभिवृत्ति का निर्माण एक अच्छे प्रत्यक्षण का ही परिणाम होता है। प्रत्यक्षण की विशेषताएं, यदि हम प्रत्यक्षण की विशेषताओं पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि प्रत्यक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपन का होना आवश्यक है, अर्थात वातावरण में उपस्थित वह तत्व या वह विषय वस्तु या वह व्यक्ति जिसके रेफरेंस में हमें कोई एक्टिविटी करनी है, जिसके रेफरेंस में हमें प्रत्युत्तर देने हैं, तो प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्यक्षण में
उद्दीपन का तात्कालिक अनुभव होता है, यानी कि इमीडिएट रेस्पॉन्डिंग, इमीडिएट एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं। तीसरा, प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। चौथा, प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि हमारा कॉग्निशन, हमारा मस्तिष्क इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहता है। पांचवा, प्रत्यक्षण में उद्दीपकों को संगठित किया जाता है, एवं अंततः प्रत्यक्षण एक चयनात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण के मूल तत्व, मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षण के मूल तत्व या सार तत्व में कई घटनाओं को सम्मिलित किया है, जिनमें से दो मूल तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला, आकार प्रत्यक्षण, दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता। आकार प्रत्यक्षण मतलब परसेप्शन ऑफ फॉर्म, और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता मतलब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। आकार प्रत्यक्षण क्या है? जब भी हम कोई उद्दीपक देखते हैं तो हम उसे उसके खास आकार या फॉर्म या पैटर्न के रूप में देखते हैं, इसी को आकार प्रत्यक्षण कहते हैं। और वो आकार या पैटर्न हम जो चीज़ देखना चाहते हैं उस विषय में, उस वस्तु में, उसी से प्रभावित होती है। जैसे कि इस प्रस्तुत चित्र में आप देखें कि यदि हम काली छाया पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आप देखेंगे कि आपको एक फूलदान या फ्लावर पॉट की आकृति दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान काली छाया से सफ़ेद छाया की तरफ बढ़ता है तो हमें दो व्यक्तियों के चेहरे आमने सामने नज़र आते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि वातावरण में उपस्थित जब बहुत सारे तत्व होते हैं तो उस तत्व में जो तत्व हमें महत्वपूर्ण लगता है, यदि हम उस तत्व पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें उसका ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे इस चित्र में यदि हम काली छाया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें एक फ्लावर पॉट की आकृति दिखाई देती है, लेकिन हम यदि सफ़ेद छाया पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें दो अलग अलग व्यक्तियों के चेहरे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से इस प्रस्तुत चित्र में यदि आप देखें तो आप यदि भिन्न भिन्न इस चित्र के भिन्न भिन्न पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको भिन्न भिन्न आकृतियाँ यहाँ दिख रही हैं, चाहे वो दो वृद्ध व्यक्तियों की आकृति हो, या एक अन्य व्यक्ति की आकृति हो, या एक महिला की आकृति हो। तो ये निर्भर करता है कि हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित कर रहे हैं। दूसरा तत्व है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता या परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। जब भौतिक परिस्थितियाँ जिनमें वस्तु या उद्दीपक उपस्थित होते हैं में परिवर्तन होने पर भी वस्तु या उद्दीपकों के प्रत्यक्षण में परिवर्तन ना हो अपितु स्थिरता बनी रहे, इसे ही हम प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता कहते हैं। अर्थात परिस्थितियां चेंज हो जाएं, लेकिन जिस व्यक्ति वस्तु को, जिन उद्दीपकों को हम परसीव करना चाह रहे हैं उनमें स्थिरता बनी रहे। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो कोई भी वस्तु, वो एक बच्चा जिसकी अपनी खुद की वस्तु है, यदि बहुत सारी अन्य वस्तु भी वहाँ पड़ी हुई हों तो उसको कहा जाए कि जाके अपना सामान, अपना बैग, अपना टिफ़िन या कोई भी अपना पेन उठा के लाना है, तो वो जाएगा इमिडिएटली अपना पेन उठा के ले आता है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे अन्य पेन या बैग या बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी चीज़ का, अपने वस्तु के संबंध में उसकी एक धारणा होती है, जिसको पता होता है कि वो चीज़ कहाँ रखी होगी, वो चीज़ कैसी है, चाहे उसका आकार, चाहे उसकी स्थिति, चाहे उसका कलर चेंज हो जाए। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि व्यक्ति को उस वस्तु या उद्दीपक की पहचान हो जाती है जिसको वो परसीव करना चाहता है, चाहे भौतिक परिस्थितियाँ हम चेंज कर दें। बच्चों में प्रत्यक्षण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन इन चिल्ड्रन। यदि हम बात करें प्रत्यक्षण के विकास की, तो बच्चों में प्रत्यक्षण के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न उपागमों एवं
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से 7 प्रमुख सिद्धांत हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम या सिद्धांत, दूसरा है गिब्सन द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षण का प्रत्यक्ष सिद्धांत, तीसरा सूचना संसाधन उपागम, चौथा गेस्टाल्ट उपागम या सिद्धांत, पांचवा व्यवहारवादी उपागम, छठा निर्देश अवस्था सिद्धांत और सातवा कृत्रिम बुद्धि सिद्धांत। प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम या सिद्धांत, इस उपागम का मानना है कि जब बच्चों की ज्ञानेंद्रियां किसी उद्दीपक से प्रभावित होती हैं तो उसकी ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक को उसका प्रत्यक्षण हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों से लेकर मस्तिष्क तक होने वाली प्रक्रिया को न्यूरोदैहिक प्रक्रम कहलते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु के प्रत्यक्षण में बालक की ज्ञानेंद्रियों एवं उसके मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से किसी उद्दीपक से निकलने वाली तरंगों को रिसीव करता है और उसके मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र में वो तरंगें जाती हैं, जिससे उस वस्तु की पहचान बालक कर लेता है। अर्थात बच्चों की ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क बच्चों के प्रत्यक्षण के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। गिब्सन द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षण का प्रत्यक्ष सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु या उद्दीपक से टकराकर जो रोशनी बच्चों की आँख के अक्षिपटल या रेटिना पर पड़ती है, इसी रोशनी मात्र से ही बालकों को उस वस्तु या उद्दीपन का प्रत्यक्षण हो जाता है, क्योंकि यह रोशनी अपने आप में ही काफ़ी संगठित एवं ज्ञानप्रद होती है और इसे अर्थपूर्ण होने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा इसकी विस्तृत व्याख्या एवं विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति का संवेदी तंत्र पर्यावरण से मिलने वाली सूचनाओं से अच्छी तरह सुमेलित होता है, अतः इससे अतिरिक्त मदद की आवश्यकता नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षण में ज्ञानेंद्रियों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्षण के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। तीसरा सिद्धांत जो कि सूचना संसाधन उपागम, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इस उपागम में प्रत्यक्षण की व्याख्या बाह्य वातावरण या उद्दीपक से प्राप्त सूचनाओं को विभिन्न स्तरों पर संसाधित या प्रोसेस करके दिया जाता है। सूचना संसाधन उपागम की मान्यता है कि बच्चों की प्रत्यक्षण क्षमता सीमित होती है, अतः कोई बालक बहुत सारे उद्दीपकों में से कुछ का ही प्रत्यक्षण कर पाता है। किसी भी उद्दीपक या वस्तु से प्राप्त सूचना निम्नलिखित 5 चरणों में से होती हुई प्रत्यक्षण के स्तर पर पहुंचती हैं। ये 5 चरण कौन कौन से हैं? पहला उद्दीपन या उद्दीपक, दूसरा संवेदी ग्राहक, तीसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, चौथा कार्टिकल मस्तिष्क केंद्र और अंततः अनुक्रिया। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार जो सूचनाएं उद्दीपकों से हमें प्राप्त होती हैं वो इन 5 प्रणालियों से होते हुए अंततः अनुक्रिया के स्तर पर पहुंचती हैं। गेस्टाल्ट उपागम या सिद्धांत, गेस्टाल्ट उपागम का प्रतिपादन वर्दिमर, कोहलर तथा कोफका द्वारा किया गया। इस उपागम या सिद्धांत के अनुसार बालक किसी वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग रूप में ना करके संपूर्ण रूप से करता है। इस संपूर्ण प्रत्यक्षण का अपना एक विशेष गुण होता है
जो वस्तु के भिन्न भिन्न हिस्सों के प्रत्यक्षण के विशेष गुण से भिन्न होता है। अर्थात कोई भी बालक किसी परिस्थिति में जब जाता है, किसी सिचुएशन में होता है, तो उस सिचुएशन के विभिन्न पक्षों का एक साथ प्रत्यक्षण करता है। यदि हम कोहलर और कोपका द्वारा किए गए प्रयोगों को उदाहरण के रूप में देखें, तो आपने देखा होगा कि जब सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक बॉक्स में बंद किया और उस बॉक्स में बहुत सारी अन्य सामान जैसे बॉक्स या छड़ी भी रखी हुई थी, और उस चिंपैंजी से इतनी दूरी पर खाने की वस्तुएं रखी हुई थी जो कि वो अपने हाथ से नहीं उठा सकता था, जब वो एक एक करके छड़ी को या बॉक्स को यूज कर उस सामान तक पहुंचने की, उस खाने के सामान तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो अंततः उसे सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जब वह पूरी सिचुएशन को, पूरे वातावरण को एक साथ प्रत्यक्षीकृत करता है, सभी पूरी परिस्थिति को एक साथ देखता है, तो और उस परिस्थिति के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, तब उसे अंततः वह क्या करता है कि बॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करता है और अपने खाने की वस्तु को प्राप्त कर लेता है। दूसरे प्रयोग में वो छड़ी को एक के भीतर एक डालकर अंततः एक बड़ी छड़ी तैयार करता है और उस सामान, उस विषय, उस वस्तु को, उस सामान को, खाने के सामान को अपने पास तक खींच लेता है। तो इस उपागम में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति, एक बालक अपने सामने जो परिस्थिति उसकी होती है, उसके उस परिस्थिति को संपूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकृत करता है और उस परिस्थिति के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार अन्य व्यवहारों के समान प्रत्यक्षण भी एक प्रकार का सीखा गया व्यवहार है। व्यवहारवादियों का मानना है कि प्रत्यक्षण पूर्ण रूपेण एक सीखा गया व्यवहार होता है और जिन नियमों और सिद्धांतों द्वारा अन्य व्यवहार निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार उन्हीं नियमों एवं उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा प्रत्यक्षण भी निर्धारित होता है। यह भी प्रत्यक्षण भी उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य बने संबंधों का परिणाम होता है। जिस प्रकार से किसी परिस्थिति में व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति कोई अनुक्रिया करता है और जब वह अनुक्रिया फलदायी या सेटिस्फैक्ट्री होती है तो उस अनुक्रिया को करना वो सीख जाता है, उसी प्रकार से प्रत्यक्षण में भी जो उद्दीपक व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित होते हैं, उन उद्दीपकों के रेफरेंस में बालक के द्वारा प्रतिक्रियाएं की जाती हैं और जो प्रतिक्रियाएं सेटिस्फैक्ट्री होती हैं, वो प्रतिक्रियाएं बालक सीख लेता है, उनको अपने व्यवहार का अंग बना लेता है। इस प्रकार व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार अन्य व्यवहारों के समान भी प्रत्यक्षण एक सीखा गया व्यवहार होता है। निर्देश अवस्था सिद्धांत। निर्देश अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट सिद्धांत के विरोध में ब्रूनर, ओलपोर्ट, शेफर एवं मर्फी तथा पोस्टमैन के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में स्थानिक कारकों के साथ साथ व्यवहार परक या प्रेरणात्मक कारक जैसे आवश्यकता, अभिप्रेरक, मूल्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य व्यवहारों के समान प्रत्यक्षण भी एक प्रकार का सीखा गया व्यवहार है। अर्थात जब कोई भी चीज़ जो हम प्रत्यक्षीकृत करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम परसीव करते हैं, तो उस परसीव कर की गई वस्तु रिपीट, अर्थात जो भी हम प्रत्यक्षण करते हैं, उस प्रत्यक्षण में हमारी आवश्यकताएं, हमारे अभिप्रेरक
और हमारे मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जो चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं और जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन चीज़ों को हम अधिक प्रभावी तरीके से प्रत्यक्षीकृत कर लेते हैं। कृत्रिम बुद्धि उपागम। कृत्रिम बुद्धि उपागम के समर्थकों के अनुसार प्रत्यक्षण एक तीन स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है एवं एक विशिष्ट क्रम में हमारे दैहिक गुणों का विश्लेषण कर उसे हम प्रत्यक्षण के स्तर पर लेकर जाते हैं। ये तीन स्तर क्या हैं? सामान्यतः हम बात करें तो प्रत्यक्षण ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के दैहिक प्रकरण, नियम तथा प्रत्यक्षण का कार्य। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार इन तीन संदर्भों के आधार पर किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षण किया जाता है, जहाँ प्रत्यक्षण करने के लिए हमारी जो दैहिक प्रकर्म है, हमारी ज्ञानेंद्रिया, हमारे मस्तिष्क, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रत्यक्ष प्रभावी प्रत्यक्षण के लिए किन नियमों किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है, साथ में प्रत्यक्षण क्या रोल प्ले करता है हमारे विकास में, हमारे व्यवहारों के परिमार्जन में। इस प्रकार से हमने देखा कि सात विभिन्न सिद्धांतों ने यह व्याख्या की कि हम किस प्रकार से प्रत्यक्षण करते हैं। यदि हम बात करें प्रत्यक्षण का शिक्षा में महत्व, तो प्रत्यक्षण क्योंकि अभिवृत्ति के निर्माण का एक आधार है, धनात्मक अभिवृत्ति का यदि हम निर्माण करना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता होती है कि बालक चीज़ों को, अपने सम्मुख उपस्थित वस्तुओं को विभिन्न परिस्थितियों में रिपीट। यदि हम एक धनात्मक अभिवृत्ति का निर्माण बालक में करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है कि बालक अपने सम्मुख उपस्थित परिस्थितियों में विद्यमान विभिन्न तत्वों को सही तरीके से, उपयोगी तरीके से प्रत्यक्षीकृत करे। प्रत्यक्षण क्या शिक्षा में महत्व यदि हम बात करते हैं तो देखते हैं कि प्रत्यक्षण बालक के ज्ञान को स्पष्टता प्रदान करता है। अर्थात प्रत्यक्षण वह आधार प्रदान करता है जिसमें बालक को, बालक के ज्ञान के विकास में किन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उन चीज़ों की जब समझ बालक को आ जाती है तो बालक उन चीज़ों का सही से प्रत्यक्षीकरण करना सीखता है। साथ में प्रत्यक्षण बालकों के विचारों का भी विकास करता है। बालकों के विचार अर्थात बालकों में उत्तम विचारों के विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी प्रत्यक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में प्रत्यक्षण बालक को ध्यान केंद्रित करने का प्रत्यक्षण प्रशिक्षण रिपीट। इसी प्रकार से प्रत्यक्षण बालक को ध्यान केंद्रित करने का भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ में प्रत्यक्षण बालक को विभिन्न बातों का वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है एवं प्रत्यक्षण बालक की स्मृति एवं कल्पना की प्रक्रियाओं को क्रियाशील बनाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षण बालक के ज्ञान के निर्माण में, बालक को उपयुक्त सूचनाएं प्रदान करने में, बालक को के विचारों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अध्यापक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम बालक को अच्छे प्रत्यक्षण के निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करें। क्या बातें बालक के प्रत्यक्षण को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? एक शिक्षक होने के नाते हमें इन बातों को जानना आवश्यक है। साथ में ऐसी परिस्थितियां हमें उत्पन्न करनी चाहिए जहां बालक
संपूर्ण परिस्थिति को एक साथ प्रत्यक्षीकृत कर सके। किसी परिस्थिति के विभिन्न तत्वों के मध्य बालक संबंध स्थापित करना सीख सके एवं अंततः उत्तम विचारों का निर्माण उन विभिन्न संबंधों तत्वों के संबंधों के आधार पर कर सके। इस प्रकार से इस अध्याय में हमने ये जाना कि किस प्रकार एक बालक अपने वातावरण में उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों के माध्यम से किस प्रकार सूचनाओं को ग्रहण करता है एवं उन सूचनाओं से किस प्रकार वह ज्ञान की प्राप्ति करता है एवं वह ज्ञान किस प्रकार उसके विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम बालकों के सम्मुख इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करें कि वो उस परिस्थिति को संपूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकृत कर सके, उसके परिस्थिति के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध स्थापित करना सीख सके, उन परिस्थिति के महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना सीख सके एवं अपनी स्मृति एवं कल्पना के माध्यम से नवीन ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास कर सके, इस तरीके के परिस्थितियों के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों में उचित ज्ञान उचित व्यवहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय में प्रत्यक्षण के विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अगले अध्याय में हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।